का सितम ही तो है जिसने 8 सालों बाद तेवर सोनाक्षी को फिर से एक बार आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक ही ऑफिस में पहुंच गए हैं देवर सोनाक्षी, जहां हर वक्त इन्हें एक दूसरे को देखना पड़ रहा है। देव के ऑफिस में ही सोनाक्षी ने अपना नया ऑफिस खोला और की दुर्गा पूजा। और इसी खुशी में देव को एक नहीं बल्कि पूरी प्लेट मिठाई दे दी, ये सोचकर कि शायद ही मिठाई खाकर देव की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। मतलब उसी के स्टाइल में दे दी मैंने। सालों के लीव के बाद देव और सोनाक्षी की कहानी फिर से पहले मोड़ पर आ गई है, जहां पर ये दोनों देंगे एक दूसरे को टशन। मतलब पहले तो प्यार के रंग दिखाए दिए थे पहले दोनों के बीच, अभी दुश्मनी के रंग दिखाई देने वाले हैं। और जो वो टशन है ना सोनाक्षी और देव के बीच, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आती है, जो इनिशियली बहुत था, तो अब वो थोड़ा और यू नो नेक्स्ट लेवल पे गया है। और वो दर होल टशन 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 बहुत मजा आता है। पर्दे के पीछे सोनाक्षी यानी कि एरिका की खुशी दुगनी हो रही थी। आखिरकार वो अपना एक और सपना सच करने में कामयाब जो हो गई है। उन्होंने खुद के लिए ली है ये नई कार। ये एक ड्रीम ही था मेरा, मैं बचपन से हमेशा एक्चुअली एक्टर बनना चाहती थी। एक्टर के साथ मतलब बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी, सपने जब मैं छोटी थी, तो एक एक करके पूरा हो रहा है। एक्टर बन गई, मॉडल बन गई थी, अब कार भी आ गई। एरिका आपको हमारी तरफ से इस नई गाड़ी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब उम्मीद करते हैं कि पर्दे के ऊपर भी देव और सोनाक्षी की कहानी थोड़ी थोड़ी सुलझी हुई नजर आएगी। निशिमेश शाह, ABP News, मुंबई।